प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को रिमझिम भाग 5 हिंदी के पाठ 17 चुनौती हिमालय की नामक पाठ में आए हुए भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी दूंगा। तो आइए बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले चुनौती हिमालय की पाठ में आए नवीन शब्द। बच्चों, चुनौती हिमालय की पाठ में आए हुए कुछ नवीन शब्द जिनका उच्चारण हम लोग शुद्ध वर्तनी के अनुसार करेंगे। शब्द ये हैं, नव युवक, इलाका, फिसलन, प्रश्न सूचक, सुकून, ग्लेशियर, आपत्ति, ताजगी, प्रकृति, सफर, उपचार, उत्साहित, लालिमा, सहारा, दुर्गम, वनस्पति, आकर्षित, पर्वतमाला, चट्टानी, गहरी, असलियत। बच्चों, इन शब्दों को आप कम से कम 2 बार शुद्ध वर्तनी के अनुसार पढ़ें। अब पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। बच्चों, पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। शब्द निराला, निराला का अर्थ होता है अनोखा। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है बच्चों छूना। उपचार, उपचार का अर्थ होता है इलाज। ओझल, ओझल का मतलब होता है बच्चों आंखों से दूर। हिदायत, चेतावनी। शिखर, चोटी। बच्चों, जो पर्वतों की सबसे ऊपरी भाग होता है उसे हम चोटी कहते हैं। मुकुट, ताज। दृष्टि, दृष्टि का मतलब होता है नजर। दूभर, मुश्किल। वीरान, सुनसान। सुकून, शांति। रास्ता, मार्ग या पथ। गाइड, रास्ता बताने वाला। बच्चों, जब हम कभी घूमने जाते हैं जहाँ पर कुछ गाइड होते हैं जो हमको सही रास्ता बताते हैं। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। बच्चों, अब आगे वाक्य निर्माण। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। शब्द हैं दृष्टि, निराला, दूभर, वीरान, शिखर और हिदायत। पहला शब्द दृष्टि, इसका वाक्य बनाएंगे। जवाहरलाल ने चचेरे भाई की ओर दृष्टि डाली। आगे निराला, वाक्य बनेगा तिब्बती पठार का दृश्य निराला है। दूभर, वाक्य होगा पहाड़ी रास्तों पर चलना दूभर होता है। आगे शिखर, वाक्य होगा हिमालय के शिखर पर पहुंचना कठिन कार्य है। वीरान, वाक्य होगा आगे का रास्ता वीरान था। वीरान का मतलब बच्चों जहां पर कोई न मिले, आपको सुनसान जगह हो, वीरान हो। हिदायत, वाक्य बनाएंगे शिक्षक ने बच्चों को हिदायत दी। इस प्रकार से बच्चों मैंने इन शब्दों के वाक्य आपको बनाना सिखा दिया है। आप अपनी भाषा में अपनी इच्छा अनुसार इनके दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं। आगे पर्यायवाची शब्द, पाठ में आए हुए कुछ शब्द जिनके हम आपको समानार्थी शब्द बता रहे हैं। रास्ता, रास्ता का पर्यायवाची होगा मार्ग, पथ। पहाड़, पहाड़ के पर्यायवाची बच्चों होंगे पर्वत, गिरी। शिखर के पर्यायवाची शब्द होंगे चोटी और सिरा। हवा, हवा के पर्यायवाची शब्द होंगे वायु, पवन। फूल,
के पुष्प और सुमन, रात्रि रात्र के होंगे रात और रजनी, बादल के पर्यायवाची शब्द होंगे मेघ और घन। बच्चों मैंने प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं, आप इनको याद करके सीखिए और एक एक शब्द इनमें आप बढ़ाइए। बच्चों पाठ के आधार पर उचित विशेषण का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। बच्चों कुछ शब्द हैं, वाक्य हैं, इनको आपको पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भर करके वाक्य को पूरे करने हैं। पहला है, माताएं से अमरनाथ की दूरी डाट मील है। तो बच्चों यहां पर आपको मालूम है पाठ के आधार पर कि माताएं से अमरनाथ की दूरी 8 मील है। आगे, सामने बर्फ का डाट मैदान दिखाई दे रहा था। तो बच्चों कैसा दिखाई दे रहा था, सामने बर्फ का सपाट शब्द भरेंगे, सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। आगे, बर्फ से ऊंची नीची चट्टानों को एक डाट पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। यहां पर बच्चों भरेंगे, बर्फ से ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। वाक्य पूरा हो गया। आगे, पहाड़ी मार्ग अधिक डॉट डॉट होते हैं। बच्चों यहां पर भरेंगे, पहाड़ी मार्ग अधिक दुर्गम होते हैं। इस प्रकार से बच्चों पहले में 8, दूसरे में सपाट, तीसरे में पतली और अंतिम में दुर्गम शब्दों को प्रयोग करके हमने वाक्य को पूरा कर दिया। आगे बच्चों विलोम शब्द, आइए बच्चों पहला शब्द है सुस्ती। सुस्ती का विलोम शब्द होगा स्फूर्त। चढ़ाई का उतराई। स्वीकार का विलोम अस्वीकार। कालिमा का लालिमा। उभरी का विलोम सपाट। पसंद का विलोम नापसंद। और ऊंची का विलोम शब्द होगा नीची। आगे शीर्षक है, वचन बदल कर लिखिए। बच्चों यहां पर बा नहीं होगा, वा है, वचन बदल कर लिखिए। शब्द है एक वचन बहुवचन। हथेली का बच्चों बहुवचन बनेगा हथेलियां। पहाड़ी का बहुवचन बनेगा पहाड़ियां। चट्टान का बहुवचन होगा चट्टाने। चुनौती का बहुवचन होगा चुनौतियां। और हड्डी का बहुवचन होगा हड्डियां। इस प्रकार से हमने आपको एक वचन से बहुवचन सिखा दिया। आगे बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों यहां पर एक वाक्य है, उसको हमको एक शब्द में लिखना है। जैसे जहां जाना कठिन हो उसे हम एक शब्द में लिखेंगे दुर्गम। जो ऊबड़ खाबड़ ना हो एक शब्द में लिखेंगे सपाट। हिम का घर, हिम माने बर्फ का घर हिमालय, क्योंकि बच्चों हिमालय में बर्फ रहती है, जमा रहती है, इसलिए उसे हम कहते हैं हिमालय। चौरस पथरीली जमीन। बच्चों जहां पर चौरस पथरीली जमीन दूर दूर तक दिखाई दे उसे हम कहेंगे पठार। इस प्रकार से हमने आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बनाना सिखा दिया। इनको आप अच्छे से तैयार करें। बच्चों आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।